अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्ले एंटरटेनमेंट। एक और घर, एक और कहानी, एक छोटी सी नेकी। आह, कितने मिनटों में, घंटों में आपको इतना कुछ पता चलता है। हम तो अपनी ही दुनिया में मसरूफ हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, या हम जजमेंटल होते हैं, मगर यहाँ आके पता चलता है, मतलब इतना कुछ दुनिया में हो रहा है। जाहिर है दुनिया में इतने लोग हैं तो हर नई नई चीज़ें होती हैं, और एक घर में जितने लोग हैं उतनी कहानियाँ भी हैं। आज जिस घर में हूँ, आप देखें, ये माशाल्लाह आपकी कितनी बेटियाँ, अम्मी कितनी बेटियाँ, आपकी बहनें कितनी हैं? छह बहनें, यानी कि मेरे को मिला के छह बहनें। जी जी, ये इनकी वालदा हैं और ये सब बेटियां हैं, और एक अपने घर में जो शादी हुई हुई है, और एक अभी शायद ऊपर है। दो की या तीन की डिवोर्स होगी? दो की हुई इनकी शादी। ये आई हुई हैं आज अपनी अम्मी के यहाँ, और इनकी डिवोर्स होगी और इनकी डिवोर्स होगी। इनका मियाँ नशा करने लगा, वो दोस्तों के कहने में, बस यहाँ इस इलाकों में नशा इतना आम है कि क्या लोग, अब छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं तो बड़ों का तो मैं क्या कह सकती हूँ। और कितनी साल हुए आपकी शादी को? 8 साल। और तलाक कितने दिन बाद हुई? 3 साल। 3 साल बाद। और आपकी, आपको आपकी तलाक? 3 साल बाद। शादी को कितने साल हुए? मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, मतलब माना जा रहा है कि मुझे खत्म हो तीन साल से बच्चे नहीं है। एक बेटा छीन लिया और एक बेटा है इसके पास। ये कितने, एक ही घर में कितनी सारी कहानियां हैं, और एक माँ वहीं की वहीं, उसने इन बच्चियों को पैदा किया। अच्छा, आपको कोई भाई नहीं है? भाई मगर अलग हैं, यहाँ नहीं आते, ससुराल में। हाँ, और माँ ने जब पाला पोसा, बड़ा कर दिया, आज माँ वहीं बैठी हुई है। पहले बच्चों को पाला, अब बच्चियों की तलाक हो गई, अपनी भी जिंदगी, शोहर का इंतकाल हो चुका है। और अब बेटा, अम्मी को दो, अम्मी से पूछूंगा, अम्मी बताएंगी क्या बताना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आपके शौहर का कब इंतकाल हुआ? 5 साल हुआ। 5 साल हो गए। आपने बचपन, बच्चों की शादियां करी, आपने अपनी शादी हुई, बच्चों को बड़ा किया, जब सारी मेहनत करी, अब भी आप मेहनत करके पाल पूछ के करीब कर ली, पाल पूछ के बच्चों को जवान किया। बुढ़ापन में मेरे कोई साथ नहीं थे, बेटियों मेरे पास शौकर वाले के शनाख्ती कार्ड नहीं है कोई, उसके बगैर कोई कुछ देता, कुछ भी नहीं देते। ये अपना, आप क्या बनाती हैं इससे? ये आलू बनाता हूँ, कुछ चावल पकाती हूँ, किसी में जाकर बाहर बैठ जाती हूँ, धूप कर ले सुबह तो सब बिक जाता है। हाँ, एक बजे तक पूरा समझो, कभी 100 बज जाते, कभी बचती नहीं। कितने का बिकता है रोज? समझे ये पकाती हूँ, नहीं पकाते समझे, कभी 400 भी मिल जाते, 500 भी मिल जाते, 600 भी मिल जाते, किसी में उनको गुजारा करती। मगर रोज करती हैं आप ये? हाँ, रोज करता हूँ, मैं सब नहीं आती। तो आप बेटियाँ क्यों नहीं करती? माँ को तो नहीं करने दो ना काम, माँ का आप क्यों नहीं, ये इनको करने देना। बेटा दूसरे के घर में गई, एक बेटी होगी, दो बेटी होगी, पहले जिंदगी का खराब हो गया। तो ये दो करें, माँ के घर में आएगा, आना जाना होगा, बनते नहीं, माँ के घर में जाके बेटियाँ खराब हो गई, इससे बेहतर है अपने घर में खुश रहो। तो जो आपके साथ रहती है वो आपकी मदद भी करती है? काम ये दो है ना, ये नहीं करती, क्या जॉब, कोई भी जॉब मिल जाए, इधर भी काम मिल जाए, लेकिन शराब भी काम नहीं, तो काम कहीं भी नहीं, बाकी बच्ची का काम है, उधर टाइम दे। मैं इनको बोलती हूँ ना, बेटा मेरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, काम कितने तक करूँगा, रात को सोती हूँ तो दिन को पता नहीं है तो मैं जिंदा हूँ या नहीं। ये तो किसी को भी नहीं पता आजकल, ये है जिंदगी, बच्चे पैदा हुए तो बेहिसाब। मेरे को 1 रुपये की गोली भी नहीं मिलती, बिल भी नहीं आते आपसे।
मिलने का फायदा क्या, रोज से मिलने को चली जाते थे, एक रुपये नहीं देते उसके क्या रुपये नहीं बताते तुम बेटा औलाद आ जाओ। मतलब बीवियों को खुश रखना है, माँ को नहीं खुश रखना। अल्लाह अल्लाह चाह बोला हमें बुखार नहीं करता, आप समझे चेकअप करा, इसमें भी पैसे चाहिए। कौन टेस्ट के लिए बोला था? बेटा को बोला बेटा मेरी बेटी से मसाला दे, नहीं हमारे पास। अल्लाह ताला चाहता है आप खुद करें, अल्लाह इन हाथों में ताकत दे, अल्लाह किसी का भी मोहताज ना करे। अल्लाह का शुक्र है मालिक का, किसी के पेट पे नहीं जाता, मिल गया तो खा लिया नहीं मिले तो शुक्र है मालिक का। मगर आपके तो हाथ में हुनर है ना, तो आप अपना ही करती है। अल्लाह ताला वाला से कुछ कभी नहीं बोलते, मेरे में एक दो एक दस रुपया तो नहीं मां, क्यों मैं अगर एक दिन देगा दूसरा दिन तो टोकेगा ना, मुझे देखो रोज मांगने आ जाती है, लेकिन मैं नहीं करती। मैं समझ सकती हूँ आपको, आपके जज्बात। ये है एक माँ और इस माँ को अभी भी ये कर रही है, और उनको ये भी फिक्र है कि बेटियाँ अपने घर में खुश रहें। ये बेटियाँ भी मजबूरी से माँ के घर आ गई हैं, दो बच्चे इसके उस एक बेटा, दो आपके और इसके एक, देखो बेटियाँ तो बेटियाँ उनके बच्चे भी हैं, और शौहरों को कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अकले सलीम, नहीं नहीं आप बैठे वो हैं, अल्लाह ताला हम सबको अकले सलीम दे और हर बुराई से बचाए और माँ की खिदमत करें, ना कि माँ आराम करे। वो कहती है मुझे पता ही नहीं मैं सुबह उठूँगी कि भी नहीं उठूँगी, ये तो किसी को भी नहीं पता। ये है घर की कहानी, ये बेक करती हैं, वो सुबह ही उठती हैं 5 बजे, पकाती हैं, फिर घर के बाहर बैठती हैं, यहीं पर ही घर के बाहर बैठ के आलू बनाती हैं ये, और चावल बना के ये बेच देती हैं। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। प्लीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करें, और प्ले इंटरटेनमेंट ने आपके लिए राशन भेजा है और आपके लिए एक लिफाफा भेजा है। ये आपके लिए प्ले इंटरटेनमेंट ने लिफाफा भेजा और ये है, और ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ताला वसीले बनाता है, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के काम आ सकें। और आप बेटियाँ हो, आप अम्मी की खिदमत करो और काम ढूंढो, जैसे अम्मी घर बैठ के, नहीं बेटा कहीं मत जाओ, सबसे अच्छा है अम्मी जैसे करिए ना यही करो। मैं तो कहूँगी जैसे तंदूर लगे होते हैं ना, आप लोग घर में रोटी खुद ही बनाओ, लोग रोटियां भी लेंगे। नहीं नहीं जब माँ देखें, लोग वैसे भी बातें बनाते, बातों की फिक्र नहीं करो, मेहनत तो आप कर रही है ना, आप ये कर रही है ना, तो रोटी भी बना लो, रोटी तो ऐसी चीज है सब खाते ही है। देखिए किसी को किसी का नहीं सोचो, अपना सोचो, बाहर नहीं निकलो, काम के लिए भी पता नहीं 10 लोग होते हैं, कैसे कैसे अपने घर में जैसे अम्मी ये कर रही है ना वही करो, वो आपके बस का काम है। रोटी बना लो, कुछ और लोग लेंगे, सब लोग लेते हैं ना रोडों से नान लेते हैं ना, तो आपसे रोटी भी लेंगे। और दुनिया बातें तो करती है लेकिन मदद नहीं करती, तो बस छोड़ें, अपनी खुद मदद, और ये अल्लाह वसीले बनाता है। तो इंशाल्लाह ताला एक नया घर, एक नई कहानी, असली कहानी। देखिए माँ घर में बैठी हुई कमा भी रही है, पका भी रही, यही तरीके हैं। घर से भी ना निकलो, आप लोगों को मैं ये कहूँगी, आप लोग यंग हो, घर में ही करो, रोटी बनाना शुरू करो, तंदूर की रोटी मिलती है ना, तो आप रोटियां बनाएं, रोटियां लेंगे लोग आपसे, ठीक है? इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।